studied about simple permanent tissue, right? We know we have studied about meristematic tissue, and we know that how permanent tissue is different from meristematic tissue. Permanent tissue are those tissue which does not have, cells of this tissue does not have any capacity to go dividing themselves, right? Instead, they have acquired a particular function or they have acquired a specialized function to achieve. Right, this kind of tissue which are having this kind of cells are called permanent tissue, right? And we know that permanent tissue are of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Again, in simple permanent tissue, cells are structurally and functionally identical, right? They don't have any difference among each other. In a tissue, cells are structurally and functionally identical. Whereas in complex permanent tissue, complex permanent tissues, एक tissue के अंदर अलग अलग type के cells मिलते हैं जिनका structure अलग अलग होता है और function भी अलग अलग होता है. जबकि simple permanent tissue में कैसा होता है कि कोई भी एक tissue ले लेते हैं तो उसमें सारे cells structurally and functionally identical है. Understood? So this is about simple permanent tissue. तो let's start simple permanent tissue. We have already started simple permanent tissue. तो चलो आगे और बढ़ते हैं. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में फिर और तीन टाइप के टिश्यू आते हैं: पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. लेट्स स्टार्ट विद पैरेन्काइमा टिश्यू. तो पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स को हम लोग पैरेन्काइमेटस सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम लोग पैरेन्काइमा सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट? कि पैरेन्काइमा टिश्यूज कैसे कैसे फंक्शंस में हेल्प करते हैं, राइट? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस दे आर अचीविंग, नॉट जस्ट हेल्पिंग बट व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस दे आर अचीविंग. तो चलो सबसे पहले उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के, राइट? एंड सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू आर कॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अकरेंस, दैट वेयर दिस काइंड ऑफ टिश्यू कैन बी फाइंड इन अ प्लांट. तो आंसर है कि हर टाइप के ऑर्गन्स में, इन एवरी ऑर्गन ऑफ प्लांट, दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, दिस टिश्यू कैन बी फाउंड आउट, राइट? दिस टिश्यू आर देयर एक्चुअली, अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई कैन बी फाउंड आउट. So, ये टिश्यू प्लांट के हर एक ऑर्गन में होता है. दे आर दी मोस्ट प्रेवलेंट टिश्यू इन अ प्लांट, ठीक है? कोई भी एक प्लांट में सबसे ज्यादा मिलता हुआ टिश्यू है ये पैरेन्काइमा टिश्यू. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वेदर दे आर लिविंग और डेड. पैरेन्काइमेटस सेल्स आर लिविंग, राइट? दैट्स व्हाई दिस टिश्यू इज ऑल्सो लिविंग. पैरेन्काइमेटस सेल्स को लिविंग इसलिए हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज ऑन गेनिंग मैच्योरिटी दे आर स्टिल हैविंग देयर प्रोटोप्लाज्म within their cell wall. उनके cell के अंदर अभी भी protoplasm है even after gaining maturity. तो ये समझ लो कि मैं जब ऐसे बोल रहा हूँ तो आगे कुछ टिश्यू आएंगे जिसके अंदर ये maturity के होने के बाद cell का protoplasm lose हो जाएगा, ठीक है? जो parenchyma में नहीं होता. So in parenchyma tissues are living. Why parenchyma tissue are called living tissue? Because parenchymatous cells does not lose their protoplasm even after gaining maturity, ठीक है? Maturity gain करने के बाद भी वो लोग अपना protoplasm lose नहीं करते हैं. That's why they are called living cells. Understood? Next characteristic is cell wall. तो ये तीसरा characteristic है, याद रखना, ठीक है? Cell wall कैसा होता है? Here cell wall is thin and mainly made up of cellulose, ठीक है? Cell wall कैसा होता है? Thin होता है और cellulose से बना हुआ होता है. अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो चलो सेल वॉल है तो सेल वॉल से दो चीजें याद आनी चाहिए, ठीक है? पहला है शेप. तो चलो शेप का ही हम लोग फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, ठीक है? दिस पैरेन्काइमेटस सेल्स आर हैविंग आइसोडायमेट्रिक शेप, राइट? जनरली तो इसका शेप हम लोग आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं. आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या है? भाई हर एक प्लेन का मतलब सेल है ना, जो वो इररेगुलरली स्फेरिकल शेप है, नॉट रेगुलर स्फीयर. तो रेगुलर स्फीयर होता है ना, बॉल को रेगुलर स्फीयर बोलते हैं. क्रिकेट बॉल ले लो, फिर हमारा कोई भी बॉल हम लोग खेलते हैं ना क्रिकेट, जिसे टेनिस बॉल से या फिर बास्केटबॉल से, वो सबका रेगुलर स्फीयर होता है. तो यहाँ पर अभी ये सेल्स है, लिविंग सेल्स है, तो रेगुलर स्फीयर नहीं होगा, इरेगुलर स्फीयर होता है. और हर एक प्लेन से अगर हम लोग डायमीटर देखें, हर एक प्लेन में डायमीटर देखें, तो डायमीटर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है? डायमीटर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, हर एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, ठीक है? तो इरेगुलर स्फीयर जैसा शेप होता है और कभी कभी ओवल भी होता है, फिर राउंड होता है, ठीक है? फिर दे कैन बी इवन इलोंगेटेड, अंडरस्टूड? तो इलोंगेटेड सेल्स भी मिलते हैं कभी कभी पैरेन्काइमेटस सेल्स में. सो दिस अबाउट शेप. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अभी ये भी सेल वॉल से ही याद आना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है
इंटरसेलुलर स्पेसेस। Here cells are compactly arranged. पैरेन्काइमा टिश्यू में सेल्स कैसे होते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस लगभग होते ही नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी होते हैं तो दे आर वेरी लेसर, अंडरस्टूड, देन दे आर वेरी वेरी लेसर, तो बहुत कम होगा, अगर होगा तो भी जनरली तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी कहीं पर होगा तो बहुत छोटा सा इंटरसेलुलर स्पेस होगा। So interstellar spaces are absent, and if present, they are very lesser in their capacity. मतलब बहुत कम वॉल्यूम में होता है इनका इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है? So this about parenchyma cells. So ये पांच characteristics हो गए। कौन-सी का पांच characteristics है? तो सबसे पहले है occurrence, understood? सबसे पहला वाला occurrence, फिर whether they are living or dead, understood? They are living or dead. तीसरा आप याद रखोगे, ये most important है, अगर ये याद रहेगा ना तो बाकी के दो भी आपको याद आ जाएंगे। तो तीसरा वाला है सेल वॉल, ठीक है? सेल वॉल कैसा होता है? अब सेल वॉल से आप दो चीजें याद कर सकते हो, बिकॉज सेल वॉल इज प्रोवाइडिंग शेप टू द सेल। तो सेल वॉल अगर आपको याद है तो आपको फिर ये भी याद आ जाएगा कि शेप सेल का कैसा होता है, ठीक है? और इसके साथ साथ इंटरसेलुलर स्पेसेस है कि नहीं है, कैसे, अगर है तो कैसे है, अंडरस्टूड? सो दिस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। अब फंक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है? तो सबसे मेन फंक्शन है पैरेन्काइमा सेल्स का स्टोरेज, राइट? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अभी ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, वो क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? तो दे कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ऑयल्स, फैट्स, आई मीन प्रोटीन्स एटसेट्रा। तो ये सब फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर करता है पैरेन्काइमा सेल्स, अंडरस्टूड? सो दिस टिश्यू इज मेनली हेल्पिंग इन स्टोरेज ऑफ ऑल दिस फूड रिजर्व मटेरियल, अंडरस्टूड? फिर दूसरा है हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है? इट ऑल्सो हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस। अब आप लोग बोलोगे कि सर प्लांट में सेल होते हैं, सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू विच आर हैविंग सेल्स कंटेनिंग दिस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? तो जो सेल में क्लोरो, ऐसा नहीं होता ना कि प्लांट के हर एक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट हो, जो सेल्स रूट में भी है उसको क्लोरोप्लास्ट की क्या जरूरत है, उस पर तो सनलाइट ही नहीं आने वाला है ना? तो क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है? जैसे एक टाइप है क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा नहीं है, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन नाम ही इसलिए है बिकॉज इट इज कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, एंड वी नो दैट इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, अंडरस्टूड? तो ये ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट इसमें है, क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है? एंड ऑब्वियसली दिस टिश्यू प्रोवाइड्स ग्रीन कलर because of presence of chlorophyll, understood? तो stem की green surface में ये tissue मिलता है, leaf में ये tissue मिलता है, in leaf it is present as basophil tissue, understood? So this is about second function, that is photosynthesis. और एक function देख लेते हैं। वैसे तो parenchyma tissues are varied in their function, बहुत सारे अलग अलग type के function होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ तीन चार function देखेंगे, ठीक है? तो third function is secretion. Right? We know that there are plant certain secretion, like secretion of resin, nectar, oil, etc. These are secreted by plants, understood? And this particular chemicals are secreted by parenchyma tissue, understood? अभी जो बोला ना resin बोला, nectar बोला, oil, ये सब parenchyma tissue के cells secrete करते हैं, understood? And they are actually forming ducts. This tissue is forming ducts through which, in which this secretion has been poured and this secretion is coming out from the duct, understood? So ye, these are the functions of parenchyma tissue. Aur ek function yahan par padh lete hain, and this particular kind of, I mean ye bhi jaise chlorenchyma hai na, ek type ka parenchyma tissue jo function provide kar raha hai, to uska naam chlorenchyma humne padha, theek hai? Aur yahan par aur ek aisa function dekh lete hain, to provide buoyancy to different parts of plants. Now obviously buoyancy hai to water related hai, means this particular characteristic, this particular function is provided for the aquatic plants only. So aquatic plants mein ek type ka parenchyma tissue hota hai jisko aerenchyma bolte hain, understood? This aerenchyma, I mean cells of this aerenchyma tissue are containing air sacs in it, understood? Or air cavities in them, understood? तो ये एयर कैविटीज की वजह से क्या होता है, तो इसका वजन हल्का हो जाता है, राइट? डेंसिटी ऑफ दिस टिश्यू बिकम्स लेसर, एंड बिकॉज ऑफ लेसर डेंसिटी इट गोज अप इन द वाटर। तो प्लांट जो होते हैं, प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं, दे कैन फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, अंडरस्टूड? दे कैन कम ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, सो दे कैन कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर
पैरेन्काइमा के अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं. सो दिस अबाउट पैरेन्काइमा. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोलेनकाइमा टिश्यू. अब कोलेनकाइमा टिश्यू के भी हम लोग पांच ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले क्या आएगा, अकरेंस. तो अकरेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा टिश्यू कहां पर होता है. तो कोलेनकाइमा टिश्यू सबसे पहले तो दो टाइप के प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ठीक है. एक होता है डायकोटिलेडोनस और दूसरा होता है मोनोकोटिलेडोनस, ठीक है. तो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट तो भूल ही जाओगे भाई, इसमें कोलेनकाइमा तो है ही नहीं. सो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट डस नॉट हैव कोलेनकाइमा टिश्यू एट ऑल. So it is present in only dicotyledonous plant. और कहां पर present होता है ये organs में, तो सबसे बाहर का जो layer होता है उसको बोलते हैं epidermis. The outermost layer is called epidermis. Understood? तो बाहर का जो सबसे layer होता है वो epidermis है. अब जब ये stem root का जब ये primary growth होगा तो just below the epidermis, just inner side of the epidermis, epidermis के just अंदर वहां पर कुछ तीन चार लेयर के सेल्स होंगे. दो सेल्स आर कोलेनकाइमा सेल्स, राइट. दिस टिश्यू, दिस लेयर्स आर फॉर्मिंग एक्चुअली कोलेनकाइमा टिश्यू. अंडरस्टूड? एंड समटाइम्स दे आर प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस रिंग, ठीक है. एक पूरा कंटिन्यूअस लेयर बनेगा कभी कभी, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दे आर प्रेजेंट एज पैचेस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. अंडरस्टूड? सो दे मे बी कंटिन्यूअस और दे मे बी डिसकंटिन्यूअस. अंडरस्टूड? बट दे आर प्रेजेंट जस्ट just inner to the epidermis. Understood? So this is about colenchyma, occurrence of colenchyma tissue. अब दूसरा क्या होगा कि भाई whether they are living or non-living, ठीक है? भाई these tissue are also living tissue just like parenchyma, but this tissue are elastic and providing mechanical strength to the plant. Understood? सिर्फ living नहीं है, elastic भी है और mechanical strength provide करता है plant को, right? It have mechanical function. Understood? अब तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल. तो इसका सेल वॉल कैसा होता है? तो सेल वॉल ऑफ दिस प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. तो ये तीन चीजें हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. याद करो पैरेन्काइमा में सिर्फ सेलुलोज था, यहां पर सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन भी है. तो दिस कार्बोहाइड्रेट, दिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइडिंग हायर स्ट्रेंथ टू द tissue, right, to the tissue, to the wall of the cells and hence to the tissue and hence to the organs of plants. Understood? जहाँ पर ये कोलेनकाइमा टिश्यू है. Understood? अब जब मैं ये टिश्यू माइक्रोस्कोप में देख रहा था बहुत साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तो मैंने जब पहली बार कोलेनकाइमा टिश्यू जब देखा था तो मैंने बोला अरे टीचर्स, अरे सर लुक एट दिस, दे आर हैविंग लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस. सेल से बड़े तो इनके इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, तो ऐसा क्यों? तो ये सेल, ये टिश्यू एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी नहीं हो जाएगा अगर सेल्स के बीच में इतना सारा स्पेस है तो? माय टीचर हैव टोल्ड मी दैट दे कैन नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, हो ही नहीं सकता, राइट. तो मैंने पूछा कि भाई सर इसमें दिख रहा है, तो सर ने फिर माइक्रोस्कोप में देखा और मुझे बोला भाई दिस इज नॉट इंटरसेलुलर स्पेस, दिस इज एक्चुअली थिकनिंग ऑफ देयर वॉल्स, थिकनिंग ऑफ देयर सेल वॉल. अंडरस्टूड? तो सेल वॉल इतने थिकंड होते हैं ना कि उसके कंपैरिजन में साइटोप्लाज्म छोटा लगता है कभी. Understood? So they are having that much thickened cell wall, especially angular walls जो होते हैं, if they are polygonal shape, तो उनके angular walls होते हैं, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा thickening होता है. Understood? So this kind of cell walls they are having. तो यहाँ पर और एक point देखो cover हो गया, they don't have intercellular spaces at all. मतलब इनमें intercellular spaces है ही नहीं. Understood? They cannot have intercellular space. Understood? और एक चीज, और एक यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, सेल वॉल है तो स्पेस आ गया, उसके साथ साथ शेप भी आएगा. तो व्हाट काइंड ऑफ शेप दे कैन हैव, दे कैन हैव स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल शेप, राइट. दे कैन हैव स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल शेप. तो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, इसके साथ साथ एक छठी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लेंगे, ठीक है. इसको कैरेक्टरिस्टिक में डालना चाहिए, एक्चुअली फंक्शन में डालना चाहिए, लेकिन चलो इसको कैरेक्टरिस्टिक में ले लेते हैं. सम ऑफ द कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा आर आल्सो हैविंग दिस क्लोरोप्लास्ट. कि भाई कुछ कोलेनकाइमा में, आई एम टॉकिंग अबाउट कोलेनकाइमा नॉट क्लोरेनकाइमा, कुछ कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है. अंडरस्टूड? एंड देयरफॉर दे कैन परफॉर्म, आई मीन देयरफॉर दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फूड एसिमिलेशन भी करते हैं. Understood? मतलब फूड का जो केमिकल चेंज, केमिकल कन्वर्जन करवाना है वो भी करते हैं. Understood? वो फूड के साथ क्या करना है, they can handle all these things. Understood? So this is about colenchyma tissue.
डिफरेंट फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, तो कौन से फीचर्स हम लोग ने पढ़े, तो सबसे पहले अकरेंस, अकरेंस किसमें, डाइकोटिलेडन्स के रूट स्टेम में, फिर और वो भी जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जस्ट इनर टू द एपिडर्मिस, नॉट बिलो, जस्ट इनर टू द एपिडर्मिस। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा, कि दे आर लिविंग इलास्टिक एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल फंक्शन, राइट, एक्चुअली ये टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दिस इन फंक्शन, राइट। फिर तीसरा हम लोग ने क्या पढ़ा, सेल वॉल, तो सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन है। फिर इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा कि भाई सेल वॉल का थिकनिंग बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली एट द एंगुलर रीजन, राइट, जहां पर सबसे ज्यादा थिकनिंग है। यू कैन सी दिस इन डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हो, है ना, और डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि भाई साइटोप्लाज्म से ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म जितना है उसका बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं ना, तो इट इज नॉट एक्चुअली स्पेसेस, दे आर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, अंडरस्टूड। इन फैक्ट this tissue does not have this intercellular spaces at all, isme intercellular spaces hote hi nahi, understood, and what is the last one nahi, lekin shape kaisa hai uska, ki bhai spherical ho sakta hai, oval ho sakta hai aur polygonal ho sakta hai, just like parenchyma tissue, but parenchyma tissue mein aur ek shape tha elongated, ye elongated parenchyma mein nahi, understood, aur parenchyma mein last function, last I mean not function but last characteristic kaun sa tha, some of this parenchyma are also consisting of chloroplast and therefore they are able to perform photosynthesis and assimilate the food, understood, so this is about characteristics of parenchyma, ab function dekh lete hain bhai function kya hai, understood, ab dekho hum log ne ek characteristic aisa padha tha ki they are elastic and mechanical and providing mechanical strength to the plant, so this is one of the function, this tissue is providing mechanical tissue to the plant, understood, they are present in young stem, understood, and they are also present in leaf stalk, understood, so kabhi hai na, because of presence of this tissue kabhi aisa nahi hota hai ki bhai zor se pavan aaya aur jo leaf stalk tha jisko hum log petiole bolte hain wo tak karke toot ke leaf niche gir gaya, in fact क्या होता है कि लीफ का भी फ्लटरिंग होता है, वेविंग होता है विंड के साथ साथ, है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, अंडरस्टूड, दिस इज बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, तो ये देखो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, अंडरस्टूड, इससे क्या होता है कि लीफ के सरफेस का जो एयर है ना, लीफ के सरफेस के जो एयर है ना वो बदलता है, वो किस लिए बदलता है, विंड की वजह से बदलता है, लेकिन वो विंड में वो लीफ कब विदस्टैंड कर पा रहा है, व्हेन इट इज हैविंग पैरेन्काइमा टिश्यू, अगर पैरेन्काइमा टिश्यू नहीं था होता तो टक करके टूट के लीफ नीचे गिर सकता था, isn't it? उसका स्टॉक जो है, we know how thin the stalk of leaves are, understood? So they can be break and fall off, understood? If they don't had पैरेन्काइमा टिश्यू, तो ऐसे यंग प्लांट के स्टेम में भी पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, which is providing flexibility and elastic nature, thus providing mechanical strength to the different parts of plants. So this is one function. Second function तो हम लोग ने already discuss कर लिया, वो भी हम लोग ने discuss कर लिया कि it is actually some of their tissue, some of their cells are consisting of chloroplast and hence they are doing photosynthesis and can assimilate food. Understood? So this is about parenchyma. Now next is scleroderma tissue. अब scleroderma tissue ऐसा tissue है, ये भी mechanical strength provide करता है, लेकिन parenchyma tissue flexibility provide करता है, ये rigidity provide करता है, it is providing stiffness to the plant, understood, कि भाई इसको चलो bend करके दिखाओ, understood, तो ये type का mechanical strength provide करता है scleroderma टिश्यू, अंडरस्टूड, अब स्क्लेरोडर्मा टिश्यू में आगे पढ़ते हैं, चलो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अकरेंस हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, अकरेंस बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट में, देखो ये इसका पूरा उल्टा है, फंक्शन हम लोग ने पहले पढ़ लिया है ना, समझ लिया, अब अकरेंस इसका लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, चलो दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, कि भाई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये था कि इसमें सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग और डेड, तो यहाँ पर डेड सेल्स होते हैं, क्यों डेड सेल्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पर सेल के नाम पे सिर्फ सेल वॉल होता है और कुछ नहीं होता है, इनफैक्ट जो अंदर का जो रीजन है जहां पर साइटोप्लाज्म होना चाहिए और नहीं है, वो रीजन को भी ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन मतलब अंदर का फ्री स्पेस, अंडरस्टूड, फ्री स्पेस तो नहीं होता लेकिन अंदर का स्पेस, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है, तो दिस सेल्स, सेल्स के नाम पे सिर्फ सेल वॉल है यहाँ पर, एक्चुअली पूरा सेल होता है जब इमेच्योर होता है, बट ऑन गेनिंग मेच्योरिटी इट लूजेस इट्स प्रोटोप्लाज्म एंड हैविंग जस्ट सेल वॉल इन अ सेल, अंडरस्टूड, तो एक प्रोटोप्लाज्म लूज करके ल्यूमेन छोड़ जाता है और सेल वॉल छोड़ जाता है, ठीक है, तो ऐसा सेल्स होता है स्क्लेरोडर्मा टिश्यू में, ठीक है, चलो दिस इज अबाउट हाउ दिस सेल्स आर, नाउ अभी चलो देख लेते हैं कैसा सेल वॉल है,
तो सेल वॉल इज हाईली हाईली थिकेंड, ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा ही थिकेंड होता है। कोलेनकाइमा का थिकनिंग तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड, हियर सेल वॉल्स आर हाईली थिकेंड एंड हाईली लिग्निफाइड। द सेल वॉल्स आर सो मच लिग्निफाइड, मतलब यहां पर लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज्यादा हुआ है कि सेल्स बिकम हार्डर, सेल्स बिकम रिजिड एंड इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू वॉटर। अंडरस्टूड, तो ऐसा सेल, ऐसे इसके सेल हो जाते हैं, ठीक है, ठीके? और जहां पर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गन भी उसका ऐसा हो जाता है। अंडरस्टूड, नॉट ऑर्गन बट पार्ट ऑफ दोस ऑर्गन आर ऑल्सो बिकम्स दिस मच हार्ड बिकॉज इट इज कंटेनिंग दिस काइंड ऑफ टिश्यू। अंडरस्टूड, ऐसे सेल्स होंगे तो पूरा सेल्स का एकदम क्लस्टर होगा तो वो भी ऐसा हो जाएगा ना, टिश्यू भी ऐसा हो जाएगा। अंडरस्टूड, और टिश्यू ऐसा है तो वो ऑर्गन के पार्ट भी ऐसे हो जाएंगे। अंडरस्टूड, तो दिस काइंड ऑफ आई मीन सेल वॉल दे आर हैविंग। अब सेल वॉल में, सेल वॉल के बीच में पिट्स भी यहां पर होते हैं। अंडरस्टूड, दे आर कंटेनिंग पिट्स बिटवीन देयर, आई मीन विद इन देयर सेल वॉल। तो मतलब आप ऐसा समझ लो कि देखो यहां पर डायग्राम मैंने दिया हुआ है पिट्स के लिए, ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से शायद कभी पानी अंदर चला गया या अंदर से पानी बाहर भी आ गया। तो इस टाइप के पिट्स होते हैं सेल वॉल में, एंड फ्रॉम डायग्राम यू कैन सी हाउ मच थिकेंड द सेल वॉल इज, है ना, सेल वॉल ही प्रोटोप्लाज्म जितना थिकेंड हुआ हो चुका है। अंडरस्टूड, एंड छोटा सा अंदर ल्यूमेन रह गया है। तो इन दिस सेल्स, आई मीन दिस काइंड ऑफ थिकनिंग दिस सेल्स आर हैविंग। Understood? So this is about different characteristics of sclerenchyma. अब यहाँ पर देखो sclerenchyma tissue भी दो टाइप के होते हैं। तो कुछ टिश्यू में sclerenchyma fibers होते हैं और कुछ sclerenchyma tissue में sclerids होते हैं। अब sclerenchyma fiber क्या है और sclerids क्या है, depending on the shape, तो मतलब आप अभी सोच रहे थे कि भाई cell wall आया तो shape क्यों नहीं आया, ठीक है, चलो shape, depending upon shape, they are of two types. तो जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में लॉन्ग फाइबर्स जैसे सेल्स होते हैं जिसका शेप फाइबरस होता है और ट्रांसवर्सली कट करे तो पॉलीगोनल शेप होता है, तो वो जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है जिसमें इस तरीके के सेल्स मिलते हैं उनको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, दे आर कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। यहां पर भी सेल वॉल इज हाईली लिग्निफाइड, थिकेंड, ल्यूमेन इज प्रेजेंट इन इट एंड पिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब पिट्स के बारे में एक चीज बताना आपको भूल गया, भाई स्क्लेरेनकाइमा फाइबर हो या स्क्लेरिड हो, पिट्स कैन बी फ्यू टू न्यूमरस, कुछ नंबर के ही भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा नंबर के भी हो सकते हैं पिट्स। अंडरस्टूड, तो ये दोनों में ही है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और स्क्लेरिड्स दोनों में ही है। चलो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स का हम लोग ने शेप पढ़ लिया, ठीक है, शेप कैसा है, फाइबरस, इलॉन्गेटेड, ट्रांसवर्स से देखे तो पॉलीगोनल है। और एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि टैपरिंग एंड है उसका, एंड कैसे होते हैं, टैपरिंग एंड। सो दिस अबाउट शेप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। अब ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते कहां पर है और व्हाट इज देयर फंक्शन। अंडरस्टूड, तो फंक्शन तो मैंने आपको सारे स्क्लेरेनकाइमा का बता दिया, दैट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट नियर दी कंडक्टिंग टिश्यूज, ये कंडक्टिंग टिश्यूज के पास में होते हैं एंड प्रोवाइडिंग देम मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये कंडक्टिंग टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के पास में होते हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये चैप्टर में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, व्हेन वी आर एक्चुअली स्टडी अबाउट एनाटॉमी, जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट स्टेम्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वेयर एग्जैक्टली दिस स्क्लेरेनकाइमा फाइबर इज प्रेजेंट एंड हाउ दे आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, आई मीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस xylem and phloem are getting mechanical strength. Understood? So this is about sclerenchyma fibers. अब next देख लेते हैं sclerids. Understood? अब sclerids का भी हम लोग ने shape देख लेते हैं कैसा है, कि इस पे sclerid का shape होता है isodiametric, right? Like that colenchyma and parenchyma. Here, not colenchyma but parenchyma. यहाँ पर shape कैसा होता है? Isodiametric मतलब हर एक अलग अलग plane से अगर diameter ले तो almost same होता है, not exactly. सेम, राइट, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा तो स्फेरिकल शेप हो जाएगा, एग्जैक्टली क्रिकेट बॉल जैसा, राइट, और फुटबॉल जैसा। अंडरस्टूड, फुटबॉल मतलब सॉकर वाला फुटबॉल जैसा। अंडरस्टूड, तो यहां पर तो ऐसा है नहीं, यहां पर इरेगुलर स्फीयर है जिसको हम लोग आइसोडायमेट्रिक भी बोलते हैं। अंडरस्टूड, यहां पर भी पिट्स होते हैं, हाईली लिग्निफाइड, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हाईली लिग्निफाइड और हाईली थिकेंड सेल वॉल होता है। अंडरस्टूड, नाउ दिस स्क्लेरिड्स कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट में ये होगा प्रेजेंट टिश्यू में, आई मीन स्टेम में, तो किसी में
प्रेजेंट होगा, फ्रूट वॉल में तो किसी में फ्रूट पल्प में प्रेजेंट है, तो किसी में लीव्स में प्रेजेंट है, तो किसी में के सीड कोट में प्रेजेंट है. तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स स्किलेट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अकरेंस विद इन द प्लांट. अंडरस्टूड? तो कोई अलग अलग प्लांट में अलग अलग जगह पर स्किलेट्स देखने को मिलता है. अंडरस्टूड? किसी में भी स्किलेट्स हो ही नहीं. अंडरस्टूड? तो ऐसे अलग अलग प्लांट में अलग अलग जगह पर स्किलेट्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्किलेट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है. राइट, आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि भाई आपने स्किलेट्स खाने में भी आया है, और आपको जो अच्छी अच्छी चीजें खाने में लगती है ना, उसमें स्किलेट्स होते हैं. अंडरस्टूड? तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेयर दे आर प्रेजेंट इन अ फ्रूट वॉल. फ्रूट के वॉल में कहां पर प्रेजेंट होता है? तो आपने कभी अखरोट ऐसे करके तोड़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि भाई कितना हार्ड होता है. अंडरस्टूड? बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ दिस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. अंडरस्टूड? एंड दैट्स व्हाई दैट फ्रूट वॉल इज मच हार्डर. एलमंड के फ्रूट वॉल में भी दिस स्क्लेरेन्काइमा फाइबर आर प्रेजेंट, सॉरी टिश्यू इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर सो मच हार्ड. फिर फ्रूट वॉल में, फ्रूट पल्प में, तो फ्रूट पल्प में कहां पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन, मतलब कौन से फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है? तो सपोर्टा में प्रेजेंट होता है, चीकू, सपोर्टा मतलब चीकू, ठीक है. फिर पेयर्स में होता है, ग्वावा में होता है, होता है ना. ये सारे फ्रूट्स का अगर आप जब च्यू करते हैं तो इसका ग्रीटी टेक्सचर होता है, इजंट इट? दिस ग्रीटी टेक्सचर इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस स्क्लेरेट्स. अंडरस्टूड? प्रेजेंस ऑफ दिस स्क्लेरेट्स, इसका ग्रीटी नेचर होता है. Understood? और कहां पर प्रेजेंट होता है? इन सीड कोट ऑफ सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि पीज है, बीन्स है, एटसेट्रा, इनके सीड कोट में प्रेजेंट होता है. अंडरस्टूड? सीड कोट्स आर वेरी, आई मीन दिस सीड्स हैव हार्डर सीड कोट्स. अंडरस्टूड? फिर टी लीव्स में भी प्रेजेंट होता है. अंडरस्टूड? सो दीज आर द अकरेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ, आई मीन दिस स्क्लेरेट्स. अंडरस्टूड? ये स्क्लेरेट्स का अकरेंस अलग अलग जगह पर, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स का तो अकरेंस हम लोग ने देखा है कि टू सपोर्ट साइलम एंड फ्लोएम दैट प्रेजेंट एडिशन टू द साइलम एंड फ्लोएम. अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. एंड बाय नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो हम लोग ने यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. उसमें भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ साइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग फ्लोएम के बारे में. So